माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ के गोमती नगर लखनऊ में नवनिर्मित भवन के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किए जाने के लिए मैं माननीय मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री ठाकुर जी ने समय दिया, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। कुछ ही दिनों पूर्व माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में मुझे अपने विचार विस्तार के रखने का मौका मिला था, इसलिए आज मैं अपनी बात संक्षिप्त में रखूंगा। हमारी सरकार यह मानती है कि जनहित के लिए आवश्यक है कि संविधान के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास की भावना हो और आपसी सामंजस्य से काम किया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने और लोगों के त्वरित इंसाफ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए हमने हमेशा न्यायपालिका को वह सब सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की है जिससे न्यायपालिका अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके। न्याय विभाग का बजट बढ़ाने के साथ साथ विभिन्न पदों का सृजन, न्यायालयों की सुरक्षा, अभिलेखों के डिजिटाइजेशन, नए फैमिली एवं फास्ट कोर्ट का गठन इत्यादि ऐसी दिशा में कई नए प्रयास किए हैं। न्यायालयों के साथ साथ अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें अधिवक्ता चैंबरों का निर्माण, अधिवक्ताओं का कल्याण के लिए 200 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड का गठन और दुर्भाग्यपूर्ण निधन की स्थिति में उनके पारिवारिक सदस्यों को आर्थिक सहायता दिए जाना शामिल है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है और आज इस गौरवशाली इतिहास में एक सुनहरा अध्याय जुड़ गया है जब लखनऊ खंडपीठ के नए भवन का लोकार्पण किया जा रहा है। इस भवन के लिए राज्य सरकार ने दिल खोल करके धनराशि उपलब्ध कराई है और उच्च वैशिष्ट्यों को भी प्रावधान किया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि नवीन भवन अपनी भव्यता और आर्किटेक्चर के लिए पूरे देश में एक उदाहरण स्थापित करेगा जिस पर केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश गर्व कर सकता है। मुझे आशा है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ अपने गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाते हुए जनता को सुलभ, सस्ता और त्वरित न्याय प्रदान करेगी। मैं इस मौके पर राज्य सरकार की ओर से भरोसा दिलाना चाहता हूं कि न्याय व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में प्रदेश सरकार अपना पूरा सहयोग आगे भी देती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया। वहीं मैं अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी को यह विश्वास दिलाता हूं कि ये मौका नहीं है जहां पर उनकी बातें कही जाएं, लेकिन मैं अलग से समय देकर के उनकी तमाम समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा।